भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सभी का स्वागत है। आज सभी आंगनबाड़ी बहने पूरा वीडियो देख करके ही जाएंगी, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं जो आपके पीईटी के एग्जाम से रिलेटेड है। तो हमारे पास अभी इस समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से जारी विज्ञापन संख्या 4 जो परीक्षा है 2022 की, जो कि आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी बोलते हैं, तो जो 2022 का पीईटी का एग्जाम है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, कैसे होगा, क्या होगा और सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। पढ़ाई कैसे करनी है वो सब आज आप लोगों को बताएंगे। और अभी स्टार्टिंग में ही बता दूं, आज से आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और सारी चीजें समझ लीजिए। बाकी पढ़ने के लिए आपको सभी तरह के जो वीडियो हैं वो हमारे सुधांशु पटेल नाम से जो चैनल है उस पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये न्यूज चैनल है, यहां पर न्यूज के आधार पर आपको चीजें दी जा सकती हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें हम पढ़ाएंगे वो आपको सुधांशु पटेल चैनल पर देंगे, और आज ही से वो शुरू भी कर रहे हैं। तो प्लीज उस सुधांशु पटेल चैनल को सभी बहने जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिनको भी पीटी का एग्जाम इस बार देना है, तैयारी करनी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई भी भर्ती आए तो उसमें फॉर्म भी डाल पाए, बिना इसके फॉर्म नहीं पड़ेगा, इसीलिए परीक्षा दीजिए, फॉर्म डाल लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पीटी में फॉर्म सब डालने की। तो यहां पर आपको हम अवगत करा दें कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और प्रारंभ होने की तिथि, यानी आवेदन करना और आवेदन के लिए जो फीस है वो जमा करना, उसकी तारीख है 28/6/2022, यानी कि 28 जून से ये अभी सब स्टार्ट हो रहा है। अभी आपका हो गया है 11 जुलाई, अभी भी ये चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और आवेदन सबमिट करना, इसकी जो लास्ट डेट है यानी अंतिम जो तिथि है वो 27/7/2022 है, यानी कि 27 जुलाई है। तो इसी महीने 27 जुलाई तक आप ये सब कर पाएंगी, लेकिन आपको सलाह है 11 हो चुकी है, अब देर ना करें, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो 3 अगस्त तक रखी गई है। तो ऐसे में आपको पता हो गया 27 जुलाई लास्ट डेट है पीटी 2022 के एग्जाम के लिए। अगर इस बार भी आप सब चूक गए तो याद रखना, अगले साल अगर मान लीजिएगा अभी सुपरवाइजर भर्ती कैंसिल हो जाए, दोबारा से आए और 22 का तब लगे, तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो पीटी है वो आपका कब तक वैलिड रहेगा वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इस साल का जो आप पीटी देंगी वो आगामी कब तक वैलिड रहेगा वो सब बताएंगे। तो अभी आप देखिए विशेष कथन में लिखा गया है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई 2022 है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक निकाल नहीं सकता है जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन जो होता है वो 27 जुलाई तक अथवा उसके पश्चात विलंबवश 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 3 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो यहां पर आपसे रिलेटेड ये कुछ जानकारी हो गई। अब देखिए यहां पर ये होता क्यों है पीटी का एग्जाम, तो लिखा गया है दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त जो है तिथि अर्थात दिनांक 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSSC की परिधि में आने वाले समूह के समस्त पदों पर चयन के लिए संबंधित कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी, और स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात जो है 20/11/2020 के पश्चात विज्ञापन किए जाने वाले पदों हेतु मान्य होगी। वे जो है जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञप्त किए गए हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्रवाई संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित जो है प्रक्रिया अनुसार होगी। तो अब आपने जान लिया कि जो भी भर्ती
परीक्षाएं आएंगी फ्यूचर में भी, वो सब पीटी का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा उसमें मान्य होगा और एक साल की अवधि के लिए वैलिड होता है, तो अभी डेट भी बता देंगे। अभी देखिए ऑनलाइन आवेदन करना है, सबसे पहले तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आवेदन कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे और कहां होंगे, तो आपके UP SSC.gov.in जो ये वेबसाइट है इस पर होंगे। कौन करेगा? आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र या फिर कैफे वाले, जहां कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म नौकरियों के लिए भरे जाते हैं, जहां जहां बच्चे भरवाते हैं, आप वहां चले जाओ, वहां से फॉर्म भरवा लो। बाकी इसमें लगता क्या है, वो जो अगर इसमें निकल के आएगा वो सब हम बता देंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता का है, तो क्या चीजें हैं जो यहां पर अनिवार्य है? तो पहला देखिए, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिक्त पद हैं, उन पर चयन के लिए इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। तो देखो यहां पर कह दिया है कि साफ तौर पर कि तमाम भर्तियां आएंगी, उनमें उनसे पहले आपको इस परीक्षा में प्रतिभाग करना जरूरी है, क्योंकि यह प्रारंभिक जो परीक्षा है और दो तरह की यानी द्विस्तरीय जो है परीक्षा प्रणाली लागू हो चुकी है। पहली यही होती है प्रारंभिक वाली पीटी, और दूसरी आपकी जो नौकरी होगी मेन, उसमें जो भी आपको जो है यहां पर प्रतिभा अपना जो फॉर्म डालना है, उसके बाद पेपर देना है। अब जैसे कि सुपरवाइजर में प्रारंभिक ये हो गई, ये पीटी, और सेकंड आपकी कौन सी हो गई, वो हो गई आपका सुपरवाइजर। इस तरह से ध्यान देना। अब देखिए उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का जो परिणाम है वो 28/10/2021 यानी 28 अक्टूबर को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष की जो है अवधि के लिए ही यहां पर 27 अक्टूबर तक जो है यहां पर 2022 तक प्रभावी था। तो 2021 वाला जो पेपर जो हुआ था पीटी का, वो जो उन्होंने दिया था, उनका कब तक वैलिड माना जाएगा, वो माना जाएगा इस वाले साल 2022 जो चल रहा है इसमें 27 अक्टूबर तक, अभी चल रहा है जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, वो भी 27 अक्टूबर तक ही उनका वैलिड रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद अगर कोई भर्ती आएंगी तो उनका पिछले वाला नहीं लगेगा, तब लगेगा ये वाला जो अभी जुलाई में फॉर्म हो रहे हैं, हो सकता है महीने दो महीने बाद पेपर हो जाए, तब से ये लगेगा। लेकिन अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन के लिए मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन दिनांक 27 अक्टूबर तक जो है निर्गत किए जाएंगे। उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर की जाएगी। तो अभी जो 27/10/2020 यानी 27 अक्टूबर तक कोई भी भर्तियां आएंगी इस साल, तो उसमें पिछले साल का ही आपका पीटी लगेगा। हाँ, अगर 27 अक्टूबर के बाद में कोई भर्तियां आएंगी तो उसमें आपका इस साल 2022 वाला पीटी लगेगा। तो अभी जो सुपरवाइजर वाला मैटर है, अगर ये मान लो खटाई में पड़ जाए और ये थोड़ा लेट हो जाए, और ये कहने का मतलब है 27 अक्टूबर 2022 यानी इस साल 2022 में 27 अक्टूबर के बाद अगर ये निकले तो 2022 वाला पीटी लगेगा, वो मान्य होगा, ये आप ध्यान रखना। अब जैसे लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देखो 2022 ये जो अभी होगी इसके आधार पर तब की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बताया जा रहा है कि 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साफ शब्दों में दिया है, पहले भी दिया था, तो ये नहीं कोई कह सकता है कि पीटी इसमें से हटा दो, क्योंकि ये प्रावधान है UP SSC की तरफ से और ये लागू है द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली, आप परीक्षा प्रणाली थोड़ी हटवा पाएंगे। तो सोचिए अभी मौका है, पीटी भरिए और जो है तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए। अब देखिए यहां पर आगे इनका क्या पॉइंट है, आगे कहना है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु दावा स्वीकार नहीं होगा। यह मान लें कि हमने पीटी दिया, पास हो गए, अब हमको नौकरी सीधा चाहिए, सीधा नौकरी नहीं, यह तो एक पहली परीक्षा हो गई प्रारंभिक परीक्षा। इसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जैसे कि आपकी मुख्य परीक्षाओं में जो जिसमें भर्ती में अप्लाई करेंगे जिस विभाग नौकरी के लिए, वो आपकी मुख्य परीक्षा बोली जाएगी। जैसे समय मुख्य परीक्षा में आपकी सुपरवाइजर भर्ती है, आपकी लेखपाल भर्ती है, जिनमें भी पीटी लग रहा है द्वितीय स्तर पर, जब वो परीक्षा होने जा रही है प्रारंभिक पीटी हो गई दूसरी, वो तो इस तरह से आपको समझना है। अब देखिए आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से, वो सब देख लो कौन कौन से पद हैं जो यहां पर भर्ती के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें सारी चीजें लिख दी गई है। समूह खा समूह गा के जो पद हैं वो सब आपके जो भी UP SSC लाएगा वो सब, और ऐसे में सीधी भर्ती वाले जो भी पद हैं उनके संबंध में सब चीजें लागू होती हैं। बाकी
ताकि रिमोशन प्रमोशन पर ये पीटी लागू नहीं होता। तो जो 2017 से प्रमोशन प्रक्रिया आंगनबाड़ी बहनों आपकी चल रही है उससे इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्यान देना, इसमें काफी चीजें लिखी गई हैं, जैसे ग्रेड पे वगैरह भी बहुत बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने लायक बातें हैं। बाकी ये तो तब की बातें हैं जब आपका जो है नौकरी लगेगा, उसके बाद की बातें हैं। अब देखिए यहां पर और क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना भी यहां पर दी गई है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया कैसी है, तो यहां पर तो पहली बात ऑनलाइन मोड है और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित 5 भागों में यहां पर बांट दी गई है, जिनमें आपको बताते हैं। पहला तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन यानी जो है रजिस्ट्रेशन नामांकन जो है वो, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड किए जाते हैं और फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना भी, साथ ही फीस का भुगतान और समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन भी और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। तो ये चीजें हैं, ये तो सारी चीजें आप जहां फॉर्म भरवाने जाएंगे वहीं से आपकी हो जाएंगी और आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ध्यान रखना है फाइनल जो प्रिंट आउट होता है वो जरूर ले लें और अपना फीस पेमेंट हो गया है कि नहीं वो सब अपना चेक कर लें। बाकी देखिए यहां पर अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वाणी समस्त प्रक्रियाओं को एक बार में पूर्ण कर सकता है। साथ ही साथ और बात करते हैं, अब देखिए यहां पर आगे क्या है, अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट में जैसा कि मैंने बताया UP SSC.gov.in, इस पर जाकर के अपना जो भी नोटिफिकेशन एक दिया होगा उसमें डिटेल से जानकारी भी खुद से भी ले सकता है जिसको चाहिए हो। बाकी देखिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, तो 18 से कम ना हो उम्र और 40 से ज्यादा ना हो, वही लोग इसमें जो है भर पाएंगे, यहां पे ध्यान देना। बाकी यहां पर आपको आगे ले चलते हैं, आगे आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के बारे में सब लिखा हुआ है, तो वेरिफिकेशन वगैरह सब होगा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह पर, जब नीचे जाएंगे एंटर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह भी वहां पर प्रदर्शित हो जाएगी, इस तरह से यहां पर सब दिखाई दे रहा है। तो ये तो चीजें आप लोगों को वहां से खुद मालूम हो जाएंगी। अब देखिए फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड वगैरह से रिलेटेड कुछ जानकारी, चेहरे की जो छवि है वो स्पष्ट दिखनी चाहिए जो आप फोटो अपलोड करेंगे, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया वगैरह जैसा प्रतीत ना हो और आपका ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों किनारों दोनों कान साफ दिखते हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर नजर सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो यानी आंखें खुली और मुंह बंद हो, सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है और फोटो का जो आकार है वो 3.5 सेंटीमीटर बाई जो 4.5 सेंटीमीटर का हो और जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो और फोटो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो, ये नहीं कि जो है 2-3 साल पहले की फोटो धरी है आप उसको उसमें अपलोड करवा दें, तो 6 महीने से पहले की जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे आप हाल 1-2 महीना की कर लो या फिर अभी खिंचा लो, 2 दिन में 1 दिन में तुरंत की तुरंत फोटो मिल जाती हैं। अब देखिए यहां पर क्या चीजें हैं, बाकी ये सब चीजें हैं और स्कैन वगैरह करने के लिए, स्कैन करके अपलोड किए जाने के लिए हस्ताक्षर वगैरह भी यहां पर दे दिए गए हैं, तो आप जो है हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर होने चाहिए, ये सब यहां पर दे दिए गए हैं। और बाकी 30 KB इसका साइज वाइज लिख दिया गया है, कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। तो बहुत लोग क्या करते पूरा कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर करते, जबकि कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर कभी नहीं होते, ये ध्यान रखना हस्ताक्षर के हिसाब से होते हैं, कैपिटल लेटर में थोड़ी ना हो जाएंगे, तो यहां पर वो उसमें मत करना। और बाकी शेष विवरण का भरा जाना देखिए यहां पर बाकी चीजें लिख दी गई हैं, तो घोषणा भी करनी होती है वो सब भी यहां पर चीजें दे दी गई हैं। और बाकी फीस का देखो भुगतान समायोजन भी होता है कि फीस, और उसके बाद जब सब हो जाए तो अपना प्रिंट आउट भी फीस वाला सब निकलवा लें। बाकी यहां पर देखिएगा और क्या है, आगे आप देख सकते हैं यहां पर फिर आती है प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन शुल्क की, तो शुल्क अनारक्षित सामान्य वर्ग वालों के लिए 160 रुपया है और 25 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया का भी शुल्क लग जाता है, 185 मान लो, अन्य पिछड़ा वर्ग का 160 है, 25 प्रक्रिया में लग जाता है, 185 मान लो, अनुसूचित जाति का 70 है, 25 प्रक्रिया में लगता है, 95 मान लो, अनुसूचित जनजाति का 70 लगता है और 25 इसमें और 95 मान लो, विकलांग हेतु यहां पर आवेदन शुल्क नहीं है और आवेदन प्रक्रिया शुल्क ही बस 25 रुपया जो भी है आपके 50 हो जो भी हो वो पड़ेगा, बाकी ये नहीं है। इस तरह से आपका शुल्क का प्रावधान है अलग अलग श्रेणी के अनुसार। बाकी फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल भी आप ना भूलें, जब आपको सब हो जाए यानी पूरा सबमिट हो जाए तो आप लोगों को सलाह है कि आप अपना प्रिंट आउट ले लें, इसमें भी यहां पर लिख दिया गया है। बाकी आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में भी दिया गया है, तो संशोधन भी होते हैं जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगी, अगर कोई गलती होगी फॉर्म में पहली बात तो पहली बार में ही सब कुछ चेक कर लें अपनी आंखों के सामने कर लें, उसके बाद उसको फाइनल सबमिट करवाएं और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो वहीं से आपका संशोधन भी वही कर देंगे और संशोधन की डेट भी
मैंने बता दी है, 3 अगस्त शायद है, उसके पहले ही आप लोग करवा लेंगी। इधर बात करते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में, आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे लगता है। तो शैक्षिक अर्हता में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता अगर धारित कर ली है वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं पास भी अगर आप हैं तब भी आप पीटी का एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में आपको जो है बताया जा रहा है। तो आप कम शब्दों में समझ सकते हैं, हाई स्कूल अथवा इसके समक्ष जो है कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचना प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस तरह से भी चीजें यहां पर दे दी गई है। आयु सीमा के बारे में 18 से 21 साल यहां पर देखो कर दी गई, पहले 18 थी, भिन्न भिन्न हिसाब से अब 21-18 वाला सिस्टम चल रहा है, 21-18 भी लग जाती है, बाकी आपका जो है लास्ट जो है मैंने 40 वर्ष बताए हैं, इससे अधिक ना हो, और ये सब चीजें यहां पर स्पष्ट कर दी गई हैं। तो 1 जुलाई 1982 से पूर्व के लोग जो है पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद के लोग नहीं होने चाहिए। तो 1 जुलाई 1982 से देख लो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ अगर पीछे की है तो वो नहीं भर पाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और 1 जुलाई 2004 के अगर कोई बाद में पैदा हुए हैं तो वो भी नहीं भर पाएंगे। तो 1 जुलाई 2004 के पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो अच्छी बात है, और कितना, और 1 जुलाई 1982 के भी पहले अगर आप होंगे तब भी आपका किसी काम का नहीं। तो 1 जुलाई 1982 के बाद के और 1 जुलाई 2004 के पहले के, इसके बीच के लोग जो है फॉर्म भर पाएंगे, वही जो 18-21 से लेकर के 40 के बीच तक रहेंगे। अब देखिए यहां पर आरक्षण के बारे में भी दिया गया है, तो आरक्षण वारक्षण जो भी है वो तो सब अलग अलग कैटेगरी वाइज है। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम देखो, पाठ्यक्रम तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, उम्मीद है आप सबने उस वीडियो को देख लिया होगा, बाकी अब पढ़ाई जो है वो हम सीधा सुधांशु पटेल चैनल पर स्टार्ट करवा देंगे। अब लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी दिए गए हैं, अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहां पर लागू होगी, और स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना इस द्वारा यहां पर संबंध में निर्णय कुछ लिए जाएंगे। तो जो भी सिस्टम है, परीक्षा का कार्यक्रम देखो यहां पर दे दिया गया है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का लिखित कार्यक्रम जैसे ही होगा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, अभी आया नहीं है, तो परीक्षा कब होगी अभी ये भी जानकारी नहीं है, हाँ जैसे ही आएगी बता दिया जाएगा, आप पढ़ते रहो। स्कोर की वैधता देख लीजिएगा, 1 वर्षीय वैधता रहती है, यानी आपने पेपर दिया, पास वास हुए, जो भी आया नंबर वो सब आपका 1 साल की अवधि के लिए रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान देना, 27 अक्टूबर 2022 के बाद से जो भी भर्तियां आएंगी आगे जो है आपका वही 27-28 जो है अक्टूबर 2023 तक, तो उन सब में आपका 2022 का ये जो अब दोगे आप लोग वो वाला लगेगा। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश भी यहां पर कुछ दे दिए गए हैं, तो श्रेणी वेणी वाइज भी सब कुछ दिया गया है, तो इस पर ज्यादा फोकस मत करिए। बाकी आप देखिएगा, आप वहां से भी पता कर सकते हैं जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और बाकी आगे और ले चलते हैं आप लोगों को, थोड़ा बहुत दिखाते हैं क्या है। तो ये रहा आपका परीक्षा वाला कार्यक्रम, जो कि हम कल ही इस पर पूरा वीडियो आपको स्पेशल एक बना करके दे चुके हैं और सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय इतिहास से आएगा 5 अंकों का लगभग, साथ ही साथ जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आएगा जो है 5 अंकों का लगभग, और ऐसे ही आपका भूगोल से भी आएगा, और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आएगा, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान से भी आएगा, और उसके अलावा अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान भी है और प्रारंभिक अंकगणित से भी है, साथ ही साथ सामान्य हिंदी से भी 5 अंकों का लगभग, और सामान्य अंग्रेजी से भी है, और आपका तर्क और यानी रीजनिंग वाला सिस्टम वो भी है, लॉजिक एंड रीजनिंग, और उसके अलावा यहाँ पर फिर आता है ये जो भी जितने बताए वो 5-5 अंकों के सब चैप्टरों से हैं। अब फिर सामायिकी वगैरह से 10 अंकों का आएगा, और सामान्य जागरूकता का जो है जनरल अवेयरनेस का उससे 10 अंकों का आ सकता है यानी आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अपगठित जो हिंदी गद्यांश हैं उनका 10, और ग्राफ की व्याख्या वाला 10, और तालिका की व्याख्या वाला 10। तो इस तरह से आपका पूरा जो भी सिलेबस है कितना कितना वो सब आपको हम पहले बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब जो भी लोग हैं वो सब ध्यान देंगे, और बाकी देखो यहां पर शर्तों में दिया गया क्रमांक 1 से 9 तक जो भी यहां पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है वो डिफिकल्ट लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ जो है प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक भी काट लिया जाएगा। तो ध्यान देने लायक बातें हैं, माइनस मार्किंग भी चलेगी इसमें, और ये बहुविकल्पी वाला आपका पूरा पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके, और बस आपको टिक लगानी होगी यानी ओएमआर शीट में गोले भरने होंगे और आराम से, और उसके बाद में जो है अगर आप गलत भरेंगी तो उसका 1/4 भी कटता चला जाएगा, ध्यान देना। यानी 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो मान लीजिएगा पूरा पूरा 1 नंबर आपका चला गया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, कैसे परीक्षा देनी है, क्या करना है, कैसे अधिकतम स्कोर लाएं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो क्या करें और तब भी कुछ ना कुछ अंक आ जाए, क्योंकि
मैंने देखा था नॉर्मलाइज होने के बाद काफी लोगों के एक एक जो है परसेंटाइल तक नहीं बने, एक एक तक नहीं बने, 40, 50, 60, 70 तो छोड़ दो, एक एक तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना जिनको बिल्कुल नहीं आता, तो उन सबके बारे में हम कुछ ना कुछ बता देंगे, तो ताकि उनके अधिकतम तो कम से कम 5, 10, 20, 15 तो आ ही जाएं। अब फिलहाल के लिए आज का यहीं तक, और वैसे भी अगर आप सब वीडियो देखते रहेंगे, सारी चीजें सीखते रहेंगे जो हम पढ़ाएंगे, तो वाकई में ऐसा तो है नहीं कि आपके माइनस में चले जाएं या फिर जीरो या फिर एक ही आपका रह जाए, इससे तो ऊपर जाएगा। भले ही आप बिल्कुल ना पढ़ते हो, बस देखते रहें, तब भी आपके कुछ ना कुछ तो आएंगे। अब आज का वीडियो यहीं तक सुबह का, उम्मीद है आपको पसंद आया हो, अब ये जानकारी काफी